सुल्तानपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। सुल्तानपुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सुल्तानपुर पहुंचे। शहर के राजीव गांधी पार्क तिकोनिया पार्क में सरदार पटेल जयंती समारोह आयोजन समिति एवं कुर्मी विकास परिषद सुल्तानपुर द्वारा आयोजित भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। अजय राय ने कहा कि सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को नमन किया। अजय राय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 80 सीटों पर मजबूती से काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के बुलावे के प्रश्न पर अजय राय ने कहा, विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का फोकस इस समय 5 विधानसभा चुनाव पर है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा, 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नाम की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अब जो स्थितियां सामने चल रही हैं, एक तो ये कि विपक्षी लोगों को परेशान किया जा रहा है, पर जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या उनके मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया, निश्चित तौर से अभी ये पूरी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, तभी इसमें मैं कुछ बोल पाऊँगा। और प्रदेश कार्यकारिणी में पीडीए की भागीदारी बढ़ेगी और जो वरिष्ठ नेताएं हैं इनके मार्गदर्शन में जो मंडल है वो तैयार होगा, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे तैयारी कर रही है 2024 में 80 सीट की, हम ताकत के साथ अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो अपना काम करने का तरीका है, अपने तरीके से हम आगे अपना काम कर रहे हैं। ये आपका जो इंडिया गठबंधन है, इसमें नाम कब तक तय हो जाएगा और क्या? अभी ये 5 स्टेट के चुनाव का परिणाम आने दिए, 3 दिसंबर का इंतजार करिए, फिर आपको 3 या 4 को आपको सारी बातें बता देंगे, ठीक है? नमस्कार। कार्यक्रम रख दिया था लखनऊ गांधी सभागार में, वो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर दिया था हमारे मनोज यादव जी ने। कार्यक्रम उनका 11 बजे शुरू होना था, वो कार्यक्रम उन्होंने जो जयंती आज ऐसे व्यक्ति की जरूरत आज समाज के अंदर है, क्योंकि समाज को विघटन पैदा करने के लिए तमाम शक्तियां समाज में काम कर रही है। माले की तरह पीरों कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के अंदर जो भी ऐसे विघटनकारी शक्तियां थी, जो देश को तोड़ने वाले लोग थे, उनको किनारे किया और देश को जोड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित करके आज वो हमसे हमारे पीछे चले गए, पर उनकी जो उनकी कार्य क्षमता, जो उनकी योग्यता, आज तक सरदार पटेल की जो व्यक्तित्व को उस व्यक्तित्व को कोई आज तक छू नहीं पाया, न छू पाएगा। कारण ये है कि जो अपने उनको देते थे, चाहे बापू देते थे, महात्मा गांधी देते थे, और उसको वो निश्चित तौर से इसीलिए उनको लोग पूछता गया कि उसको पूरी तन्मयता के साथ सारे सब कुछ समर्पित करके उस कार्य को करने में अगर भूमिका निभाते, कभी भी न किसी से दबे, न कभी किसी से डरे, और जो तय कर लिया, निर्णय ले लिया, तो उसके पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब पर हम सब लोगों को आगे बढ़कर मजबूती के साथ चलने से करना मिलाकर खड़े होने का समय, डटकर लड़ने का समय है, और निश्चित तौर से जो आज हम पूरे प्रदेश के अंदर दौड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उससे दिख रहा है कि आम जनता, आम लोग फिर वही कांग्रेस के दिखाए रास्ते पर
सरदार पटेल के दिखाए हुए रास्ते पर हम अपने नेताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलने के साथ कांग्रेस से कदम मिलाकर खड़े हो रहे हैं और लोग ये सामने दिख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का साथी हमारा भाई चल रहा है, ये क्या है? ये केवल दिखाओ की चीजें, मीडिया मैनेजमेंट से देश नहीं चलेगा, देश आपके निर्णय आपके कामों से चलेगा और सत्यता बताएंगे देश को, सत्यता एक एक जनता जाने कि देश के अंदर किस तरह की स्थितियां चल रही है। आज अभी आपने देखा कल की परसों की घटना है, पीजीआई के अंदर पूर्व सांसद का बेटा भाव बिना इलाज के अभाव में मर गया। चौधरी साहब हमारे आपकी कौन सी तुलना है, जब एक पूर्व सांसद भैरव मिश्रा भाजपा सरकार चल रही है ट्रिपल इंजन की, वो भाजपा के सांसद अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाए, धरने पर बैठना पड़ा, धरने पर जब बैठे तब इलाज नहीं हुआ और उसके बाद फिर उनको समझाया जाकर लड़के की 40 साल का लड़का फिर उनको अपनी बॉडी में बच्चे को लेकर जाना पड़ा। जब भी जहाँ पड़ी है इसके पहले भी जब भी पड़ी है आंखों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका भाई खड़ा रहा है, आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े रहेंगे। ये वचन बदलता अपनी दोहराते अपनी बात को समाप्त करता हूँ।